मेरा नमस्कार सलाम आदाब। आने वाले 21 तारीख को ये विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट करके आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। आज से कई बार आप लोगों ने मुझे बुलाया और इसी जगह पे गणपति में भी बुलाया, नवरात्र में भी बुलाया, दिवाली में भी बुलाया और खूब फोटो भी निकाली। बच्चे लोगों ने मेरे कंधे पे उड़ी भी बहुत मारी, मगर अभी मेरा उड़ी मारने का वक्त आया है। अब मुझे मीरा रोड से विधानसभा में भेजना है, आपका काम है। ऐसा तो विधानसभा में मैं 9 साल रह चुका हूँ, मालूम है क्या आपको? मैं विधानसभा में MLC करके रह चुका हूँ, कितने लोग को पता है, हाथ उठाइए। इतनी जागरूक पब्लिक है क्लस्टर की, कमाल है। विधानसभा, विधान परिषद और मुझे राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला, प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला, पता है आप लोगों को? हाथ उठाइए कितने लोग हैं, ये कम है जरा। ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि मैं 9 साल विधानसभा में रह चुका हूं, 3 बार कॉरपोरेटर डिप्यूटी मेयर रह चुका हूं। जिस शहर में आप लोग रह रहे हैं यहां पे 85 से मैं एक वार्ड का प्रेसिडेंट बना हूं, सिर्फ वार्ड का प्रेसिडेंट। जब मीरा रोड की आबादी खाली 11,000 थी और आज 15 लाख है। जैसे शहर बढ़ा हम भी राजनीति, समाजनीति, समाजकरण में आगे बढ़े और 30-35 साल इस शहर के अंदर हमने शहर को बनाने का काम किया। इस शहर का प्लान बनाया, डेवलपमेंट प्लान बनाया, सारे रिजर्वेशंस का बनाया, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, जॉगर्स पार्क, ये सारी चीज़ कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, इसका प्लान बनाने वाला इंसान आपके सामने खड़ा है। कभी नवरात्रि और गणपति में मैं अक्सर तकरीर करता नहीं हूँ, धार्मिक और मजहबी त्योहारों में मैं तकरीर करता नहीं हूँ, इसलिए कभी ये सारी बातें करने का मौका आया नहीं। आज चुनाव है तो इसलिए आप लोगों के सामने बात को रख रहा हूँ ताकि आपके सामने एक कंपैरिजन आपको होना ज़रूरी है। ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में आपको आपका लोक प्रतिनिधि शहर का कैसा होना चाहिए वो आपको चुनना है, ना कि आपको दिल्ली की सरकार चुननी है। इसलिए अगर कोई ये सोच के फैसला करेगा कि हमको तो कमल के ऊपर मोहर लगानी है, मोदी जी को वोट देना है, तो मोदी जी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। विधानसभा का चुनाव यहाँ पर उनका उम्मीदवार लड़ रहा है पार्टी का, जो एक व्यक्ति, और उसके सामने कांग्रेस का मैं दूसरा व्यक्ति। मेरा 30-35 साल का किरदार आप लोगों के सामने है, मेरे परिवार का 50 साल का किरदार आपके सामने है। हमने इस शहर को क्या दिया है, शहर को कैसे बनाया है, ये आपके सामने है। ये 30-35 साल के पॉलिटिकल करियर में आप में से कोई व्यक्ति, शहर में से कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आपके परिवार पे ये, आप पर ये दाग है, ये इल्जाम है, ये आपने लोगों को सताया है, परेशान किया है, लोगों की जमीन हड़प की है। दे सकता है कोई मिसाल? सुना है आप लोगों ने कभी? मगर 5 साल में जिसको आपने चुन करके भेजा उसके बारे में रोज व्हाट्सएप भी आता है, पेपर में न्यूज भी आती है, सरकार भी बोलती है, पुलिस भी बोलता है और 5 ही साल के अंदर हाईकोर्ट भी बोलता है कि इसके ऊपर क्रिमिनल केस दाखिल करो। सुना है आपने? तो आपको यह देखना है कि कौन व्यक्ति को आपको चुनना है जिसने 35 साल इस शहर को बनाने में लगाया और 35 साल बनाने के बाद उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं, कोई दाग नहीं, और जिसको सिर्फ 5 साल लोगों ने उसको मौका दिया तो उसने तबाही और बर्बादी इस शहर में ला दी, इस शहर को बदनाम कर दिया। जब लोक प्रतिनिधि बदनाम होता है तो वो अकेला नहीं होता, वो पूरा शहर बदनाम होता है, क्योंकि वहां ये लिख के आता है मीरा भयंदर का MLA मुजफ्फर हुसैन। मुजफ्फर हुसैन का नाम बाद में आता है, पहले शहर का नाम आता है। और शहर अच्छी इमारतों से नहीं जाना जाता, शहर अच्छे लोगों से जाना जाता है और अच्छे लोग, अच्छे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला आपका लोक प्रतिनिधि होता है। और जब आपका लोक प्रतिनिधि बदनाम होता है तो आपका शहर बदनाम होता है और जब शहर बदनाम होता है तो आप बदनाम होते हो। आपको फैसला इस बात को देख के करना है कि 35 साल किसने क्या काम किया और 5 साल में किसने क्या तबाही मचाई है। हमने स्मशान बनाया, कब्रस्तान बनाया, बरेल ग्राउंड बनाया, जॉगर्स पार्क बनाया, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनाया, ब्लड बैंक बनाया, राजीव गांधी ब्लड बैंक बनाया, महात्मा गांधी लाइब्रेरी बनाई, उस लाइब्रेरी को बंद कर दिया।
50% जगह लाइब्रेरी की 10,000 स्क्वायर फीट को म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस बना दिया. जिन लोगों का एजुकेशन का इंपॉर्टेंस नहीं है, जिन लोगों का हेल्थ का इंपॉर्टेंस नहीं है. 5 साल हो गए पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल हमने बनाया, 3 बार इन्होंने हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर स्टेट गवर्नमेंट से किया, मगर आज तक अस्पताल वहां पे ठिकाने से चलता नहीं है. भयंकर का रात में डिलीवरी की औरतें जो होती है, महिलाएं होती है, उनको उठा करके अस्पताल से बाहर भेज दिया जाता है. हमने इंदिरा गांधी अस्पताल बनाया, केंद्र सरकार से पैसे लाए, 60 डायलिसिस की मशीन अपने आमदार की फंड में से हमने दिया. आज 40,000 लोग वहां से दवा लेते हैं ओपीडी की. 2,000 से ज्यादा महिलाओं की डिलीवरी होती है, 1,500 से ज्यादा महिलाओं की सीजरिंग होती है, 3,500 लोग डायलिसिस इस्तेमाल करते हैं, हजारों लाखों लोग उस ब्लड बैंक से ब्लड लेते हैं, हजारों बच्चे वहां से लाइब्रेरी से पढ़ करके निकले हैं. शहर में आप हाथ रखिए और बताइए कौन सा काम. मैं उसकी तारीख और ये बता सकता हूं ये काम हमने कब किया. 5 साल में इस शहर के अंदर जो आमदार है उसने सिर्फ फलक लगाया, बोर्ड लगाया कि पानी आ गया. आया था पानी, कितने साल तड़पे हैं आप लोग. आप पे गब्बर सिंह टैक्स लग गया है डबल, हाउस टैक्स के नाम पे, कचरे के टैक्स के नाम पे. मालूम है आपको पानी आया नहीं, पानी का बिल 7 रुपए से 14 हो गया है 5 साल के अंदर. हमने जो पानी 2014 में लाया उतना ही पानी शहर को आता है. मुख्यमंत्री आए, बोर्ड लगा, कहा कि 24 घंटा पानी मिलेगा, 24 घंटा नल मिलेगा. होर्डिंग लगती है शहर में, हमें गर्व है, और नल दिखाते हैं मगर नल में पानी नहीं दिखता है. बच्चों के प्लेग्राउंड उखाड़ दिए गए, शांति पार्क, शांति नगर, सभी इलाकों में, मगर बोर्ड लगता है कि हमें गर्व है कि हमें खेलने को प्लेग्राउंड मिला. आपके इलाके में सिर्फ एक प्लेग्राउंड है माहड़ा का, उसमें भी बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव पास कर रहे हैं, उसमें भी अस्पताल नहीं बना, लाइब्रेरी बंद कर दी गई, पानी नहीं आया, टोल नाका हटाने का वायदा था, टोल नाका नहीं हटा, हटा क्या टोल नाका, मैं हटाने वाला हूं. ये मेरा रिटर्न डॉक्यूमेंट वचननामा है, और मुझे ये हटाने के लिए, ये काम करने के लिए सरकार, सत्ता और एमएलए बनने की जरूरत नहीं है. मैंने तो तब काम किया जब मैं खाली नगर सेवक था, और नगर सेवक भी नहीं था तब. हमने ट्रेन 9 डब्बे की 12 डब्बे करी, 2 ट्रैक से 4 ट्रैक बनाई, आलिशान रेलवे स्टेशन बनाया, बस लाई, पानी लाया, अस्पताल बनाया, काशी मीरा भयंदर रोड बनाया. मैं तो सादा नगर सेवक था. आज तो मेरे साथ 15 लाख की जनता मेरे साथ है. टोल नाका हटाने का अगर आप मुझे पूछोगे कि आप सत्ता में नहीं है तो कैसे हटाओगे, आपकी जितनी गाड़ियां है ना, कितनी है गाड़ियां कॉम्प्लेक्स में, 200, 400, 500 है. शहर में से 1,000 गाड़ी, 500 इस तरफ 500 उस तरफ ले जा करके लॉक करके घर में आके सो जाइएगा. अगर टोल नाका 10 घंटे में नहीं हट गया तो मुझे कहिएगा. काम करने की ताकत चाहिए, कुवत चाहिए, दृष्टिकोण चाहिए, हिम्मत चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, वो है हमारे. मीरा रोड लोकल की जरूरत है कि नहीं है बताइए. मीरा रोड से ट्रेन चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए. अभी आमदार अगर आपके पास आएंगे और कहेंगे कि कैसे लाएंगे, सरकार हमारी है. अगर सरकार आपकी है तो मेरा वही सवाल है, फिर टोल नाका क्यों नहीं हटा. फिर मेरा वही सवाल है कि ट्रेन यहां से क्यों नहीं चालू होती है. फिर मेरा वही सवाल है कि भयंदर से महिला स्पेशल ट्रेन बढ़ती क्यों नहीं है. फिर मेरा वही सवाल है कि पानी क्यों नहीं आता है. फिर मेरा वही सवाल है कि गब्बर सिंह टैक्स डबल क्यों लगा दिया गया है. फिर मेरा वही सवाल है जो कोर्ट हमने बना के रखा, फर्स्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, उसे शुरू क्यों नहीं किया गया. फिर मेरा वही सवाल है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम पूरा क्यों नहीं हुआ. अगर सरकार तुम्हारी है और तुमको लगता है कि तुम सरकार में रह करके काम कर सकते हो, हम विरोधी पक्ष में रह के काम नहीं कर सकते, तो लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सब में ज्यादा ताकत किसी में होती है तो जनता की आवाज में होती है और विरोधी पक्ष में होती है. हमको ये काम करना है. हमने बनाया बहुत सारी चीजें इस शहर के अंदर, मगर कभी बोर्ड नहीं लगाया कि हमने कब्रिस्तान बनाया, शमशान बनाया. हमने बनाया अपने जाति पैसों से बनाया, एमएलसी फंड से भी नहीं और म्युनिसिपैलिटी के पैसों से भी नहीं. आज आपको बताता हूं, 6 करोड़ रुपए मुजफ्फर हुसैन ने
अपने व्यक्तिगत पैसे के मेहनत की कमाई का वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और 20 साल तक के उसको संभाला, मगर कभी लोगों को ये नहीं कहा कि मुझे गर्व है। आज लोग मुझे कहते हैं कि आपका नाम निकाल दिया वहां से, तो मैं कहता हूं नाम में क्या है, जो मैं लोगों के दिल में बसता हूं वो बोर्ड निकालने से क्या फर्क पड़ता है। और हमने काम किया अपनी आखिरत के लिए किया, वो ऊपर वाले के रिकॉर्ड में फिक्स डिपॉजिट किया है, वो उसके रिकॉर्ड में है, दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती, ये बोर्ड में क्या ताकत रखी है। तो हम लोगों ने काम किया शहर में, कभी नारियल नहीं फोड़ा, कभी फाउंडेशन नहीं किया, कभी कार्यक्रम नहीं किया। अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा यहाँ बहुत बड़ा एक मंडप लग रहा है, तो इन्होंने बताया कि बीजेपी का कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय नेता आ रहा है। मुझे मेरी पार्टी पूछती है कि कौन से लीडर को भेजा जाए, मैं कहता हूं मुझे मेरी जनता पे और मेरे काम पर भरोसा है और मुझे किसी लीडर की जरूरत नहीं। अगर जनता अपना फैसला सही कर सकती है, उसे अपना नुमाइंदा चुनना है, तो जिसने काम 35 साल में किया और लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई उसे वो चुनेगी, कि जिसने 5 साल सत्ता भोगी और शहर को नोच नोच के खा लिया, करप्शन की मर्यादा पार कर दी, महापालिका को 750 करोड़ रुपए के कर्जे में ढकेल दिया, शहर पे गरीब से लेके अमीर से लेके हर एक पे अन्याय कर दिया, क्या उसको चुनोगे आप? वो चुनाव लड़ रहा है अपनी धन संपत्ति संभालने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए। दूसरी उम्मीदवार जो अपक्ष चुनाव लड़ रही है उसे हराना है खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। मैं चुनाव लड़ रहा हूं इस शहर में से भ्रष्टाचार और अन्याय को खत्म करने के लिए। यह आपको सोचना है कि आपको कौन व्यक्ति चाहिए, पार्टी मत देखिए। यह इलेक्शन इंडिविजुअल पर्सनालिटी का इलेक्शन है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी का, ना धर्म देखिए, ना मजहब देखिए, ना भाषा देखिए, ना प्रांत देखिए। हु हैज डिलीवर्ड यू, हु हैज ऑलरेडी परफॉर्म, दैट्स व्हाट यू नीड टू सी। यू डोंट हैव टू सी कि व्हाट कास्ट क्रीड रिलीजन ही बिलोंग्स, what party he belongs, just see to his performance, what is his performance, how good he has performed and how bad he has performed, kitna acha kaam kiya hai, kitna naam kiya hai ya kitna badnaam kiya hai, itna hi aapko dekhna hai. aane wale 21 tarikh ko isi baat pe aapko faisla karna hai. main janta hu aapke is cluster ke andar log ek alag mizaj rakhte hain, nahi hum fala party ko hi vote denge, bilkul dijiye, aapne diya lok sabha mein, हो गया काम पूरा, अब आपको शहर का फैसला करना है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करना है। ये बच्चे इसी ग्राउंड में खेलना चाहते हैं कि बाहर आप उनको प्लेग्राउंड रखेंगे? उनका बाकी प्लेग्राउंड नष्ट हो गया। हमने 385 आरक्षण बनाए, रिजर्वेशंस, स्कूल, कॉलेज, गार्डन, प्लेग्राउंड, पिछले 5 साल के इनके बहुमत के सरकार में महानगर पालिका और राज्य सरकार ने 60 रिजर्वेशंस को डीनोटिफाइड कर दिया, प्लेग्राउंड, गार्डन और स्कूल्स के, और वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज कर दी, कमर्शियल एक्टिविटीज बना दी। आपके यहाँ मार्केट बना, मार्केट में हॉकर कौन बैठता पता है आपको? जो इस शहर में 20 साल से गरीब आदमी पेट भर रहा था वो नहीं है, नए लोगों को लाके बिठाया गया, उनसे अलग से पैसे लिए गए हैं, मार्केट के नाम पे धंधा और व्यवसाय वहां किया गया है, मालूम है आपको? आप लोगों को लगता होगा मार्केट बन गया, अच्छी बात, अच्छी बात, मगर वो गार्डन की जगह थी, प्लेग्राउंड की जगह थी, और जहां मार्केट की जगह थी वहां आपने उसको कमर्शियल मार्केट्स बना दिया, शॉपिंग मॉल बना दिया। ये हुआ इस शहर में 5 साल में। कोई व्यक्ति 5 साल में 5000 करोड़, 2000 करोड़ रुपए का मालिक बनता है, कैसे बनता है? ईमानदारी से तो नहीं बनता है, ईमानदारी से तो नहीं बनता है, जरूर कहीं ना कहीं दाल में काला होता है, मगर यहां तो पूरी दाल काली है। इलेक्शन कमीशन के साइट के ऊपर जाइए, नॉमिनेशन फॉर्म देखिए, एफिडेविट देखिए, कितने क्रिमिनल केसेस हैं? 22 असेंबली में कहा कि मेरे पे कोई केस नहीं, आज 22 केस का एफिडेविट में लिखा हुआ है। आपको फैसला इन सारी बातों को देख करके करना है, और मुझे यकीन है कि आप लोग फैसला सही करोगे। आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, सिर्फ बात यह है कि ऊंची बिल्डिंग में, ऊंची इमारत में रहने वाले लोग हैं, डेमोक्रेसी की महत्व को नहीं समझते आप लोग।
डेमोक्रेसी और इलेक्शन के महत्व को गरीब आदमी समझता है, क्योंकि उसके पेट में आग लगी रहती है, उसकी रोजी रोटी उसी नेता के माध्यम से चलती है। अगर आपके यहाँ पे 1500 मकान है और आपके सामने अगर 1500 स्लम्स है, तो उनका वोटिंग परसेंटेज 90% होता है और आपकी इस इमारत के अंदर का वोटिंग परसेंटेज 15% होता है। कितना परसेंट होता है? 15%, क्योंकि आपको लगेगा फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे चार दिन छुट्टी है, माथेरान महाबलेश्वर घूम के आते हैं, दमन दीव जाकर के आते हैं, रिश्तेदारों को मिल के आते हैं, पिक्चर देख के आते हैं, आज फैमिली डिनर बनाती है, लंच पार्टी करती है। ये क्या करने का हमारे को? ये सब नेता चोर है, सब पार्टी चोर है। डाइनिंग रूम और लिविंग रूम में बैठ करके टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ के टीवी को देख करके कमेंट देना, ये हिंदुस्तान के लिटरेट क्लास का एक स्टाइल बन गया है, लाइफस्टाइल बन गया है। और इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर गलत लोग गलत जगह पे गलत व्यक्ति को चुन करके दे रहे हैं। 135 करोड़ का देश और 40 करोड़ खाली वोटिंग करते हैं, और 20 करोड़ जिसको वोटिंग होती है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में सरकार बनती है। और फिर आप लोग कहते हैं कि ईवीएम का चक्कर है, ईवीएम का चक्कर है ऐसा लगता है। तो मैं आपको ईवीएम का फुल फॉर्म बताता हूं, स्ट्रेट ईवीएम, उसका उल्टा कीजिए MVE, मुजफ्फर विक्ट्री इलेक्शन। तो आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ करके विनंती है कि इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए। आपके शहर के भविष्य का सवाल है और इस शहर में हो रहे अन्याय अत्याचार को हटाना है, उस लड़ाई को हमने हाथ में लिया है, उसमें मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, हमको बुलाया, आपने दो शब्द बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र।